सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष को सफाई देने पर मजबूर कर दिया है और महिला से हुई बातचीत की सच्चाई सामने आने के बाद सीधी जिले में हुई साजिश का भी सच सामने आ गया। देखिए एमपी न्यूज पर सीधी से ये खास रिपोर्ट। बीजेपी की सीधी जिला अध्यक्ष के साथ हुआ घिनौना षड्यंत्र। महिला से फोन पर हुई बातचीत को शरारती तत्वों ने किया वायरल। नेताजी को सामने आकर बताना पड़ी सच्चाई। महिला से हुई बात तो खड़ा हो गया बखेड़ा। इंटरनेट की दुनिया में वायरल हुए एक ऑडियो ने सीधी जिले की सियासत में साजिश का सच सामने ला दिया है। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह के नाम से शेयर किया गया, जिसके बाद से जिला अध्यक्ष के खिलाफ हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश भी हुआ और खुद महिला ने सामने आकर किसी भी तरह से इसे लीक करने वालों के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। सबसे पहले आप सुनिए वो ऑडियो जिसने मचा दी सनसनी। हेलो। हाँ जी बोलिए। फोन लगा रहे थे क्या आप? हाँ, आपने कुछ वादा किया था ना? क्या वादा किया था? गजब कर दिया। याद नहीं, आप याद दिलाएंगे? अब हम नहीं दिला देंगे, अब हम खुद भूल गए अपने आप को। गलत बात है, ऐसे कैसे भूल सकते हैं आप? अभी क्या नहीं भूलेंगे, जब आपको वादा याद नहीं है तो मुझे कैसे अपने आप की याद ही नहीं रहेगी, तब तो हम भी भूल गए अपने को। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमें याद है ना, आपको थोड़ी भूल सकते हैं। तो भूला तो फिर भेजा क्यों नहीं? अब भेजेंगे ना। कब? कब? अब आप बताइए भेजना क्या है, हम चैट ही नहीं देखा था, आपने बोला कि आपने पहले ही डिलीट कर दिया था। अरे नहीं, हमने भेजा था, हमने देख भी लिया था, कहा था ओके। नहीं आपने डिलीट कर दिया था, उसके बाद मैंने आपसे पूछा नहीं, था दोबारा नहीं, दोबारा भेजा था, दोबारा भेजा था, आपने ओके लिखा था। पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, मैंने मैसेज डिलीट कर दिया था। मैसेज मैं डिलीट कर देती हूँ ना, तो हम भी कर देते हैं ना। हाँ हम भी कर देते हैं, ताकि हमारी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मेरी वजह से आपको भी। जी बिल्कुल। तो भेजिए। बताएंगे तब ना, था क्या? अब हम कुछ नहीं बताएंगे। बता दीजिए, कुछ वादा हुआ था ना आपसे, क्या आप भेजे? अब बताएं तो, इतना आपको इतना याद है तो ये नहीं याद है क्या है, तो आप बता दीजिए तो भेज देते हैं ना। कितना टाइम लगेगा? जो भी होगा तुरंत भेज देंगे। हमने कहा था ना कि हम तस्वीर भेज रहे हैं, खास खास तस्वीर। अच्छा, खास तस्वीर, तस्वीर तो मैंने आपको भेजा था। और खास आपने कहा था? और खास कहा था। और खास कैसी तस्वीर बताइए, रोज अनुसार भेजें। जो सबसे खास आपको लगे। अब आप बताइए, आपको कैसी तस्वीर पसंद है वैसी तस्वीर हम भेज देते हैं। उधर इस ऑडियो के वायरल होने के बाद खुद बीजेपी के जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने पत्रकारों को इस ऑडियो की सच्चाई बताई। देखिए दो चीजें, अभी ये कानूनी प्रक्रिया के तहत है इसलिए मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा यहाँ मीडिया के सामने, लेकिन वह आप लोगों को भी पता है, जब राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगता है, जनता का स्नेह मिलने लगता है, तो जो लोग बिना काम किए नेता बनना चाहते हैं उनकी भौहें तनती हैं और वो षड्यंत्र करते हैं। ये राजनीतिक रूप से सामाजिक काम करके मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे थे कुछ लोग, तो उस मुझे नष्ट करने के लिए, मेरा सम्मान मान सम्मान खत्म करने के लिए इन लोगों ने काट छाट करके फर्जी वीडियो ऑडियो तैयार किया। और एक ग्रुप है और वो लड़की से पूछा जाएगा, महिला से, तो स्वयं बताएगी कि हम किसके यहाँ रह रहे थे और किसने ये षड्यंत्र करवाया है, तो पता चल जाएगा अपने आप। हम तो SP को देंगे आवेदन कि भाई आप इसकी जाँच कराइए, अगर मेरे खिलाफ उसने रिपोर्ट किया है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए, और नहीं किया है तो मेरा मान सम्मान कैसे वापस लौटे। आज आप पूरे प्रदेश में, देश में ऑडियो चला रहे हो कि भाजपा जिला अध्यक्ष की देखे करतूत कोरोना काल में तस्वीर के लिए उतावले, ठीक है। तो ये जो ऑडियो वायरल किया, जो हेडिंग बनाई, इससे जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची, जो राजनीतिक नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कैसे होगी?
तो इसकी भरपाई तब होगी जब इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो, और ताकि दोबारा ये लोग ऐसा करने के लिए दुस्साहस न करें। वहीं जिस महिला से नेताजी की बात हुई थी, उस महिला ने भी इस मामले में नेताजी को नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ऑडियो शेयर करने वालों को ही दोषी बताया है। जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ध्रुव करके मतलब ऐसे ज्वाइंट किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है, बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी। देखिए एक्चुअली ये तो हम मानते हैं कि हमारे फ़ोन से ही वो हुआ है, बट मेरा फ़ोन एक्चुअली क्या है कि गुम हो चुका था और मेरी इनसे बातें हुई थी, ये बात तो सही है, काफ़ी मतलब रिलेशन है तो फिर जाहिर सी आते बातें होगी, लेकिन जिस टॉपिक पे मतलब जैसी ये रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से ये बातें नहीं थी। इसमें से कुछ बातें थी जो हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी, उसको मतलब कि एक साइड में जोड़ दिया गया है। काफ़ी ऐसी बातें थी जो अलग अलग टाइप की थी लेकिन एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, तो ऐसी कुछ कोई बातें ही नहीं थी। ये तो मुझे अभी फिलहाल तो ये है कि उनके इमेज के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है, जी बिल्कुल नहीं किए हैं, हमें क्यों उनसे दिक्कत होगी। और हमने किस मतलब ये जाहिर करने से पहले मुझसे पूछा कि उन्हें गया, क्या मैंने बोला है? मैंने तो किसी से बोला नहीं है। बहरहाल नेताजी के ऑडियो ने जहां सनसनी मचाई तो वहीं बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी भी इस मामले ने खोलकर सामने ला दी है। अब सीधी जिले के अध्यक्ष को देना पड़ रही है सफाई, और फोन पर हुई ये बात बाहर निकली तो दूर तलक चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीधी।